Okay, so let's start. The topic basically which I'm going to take today is one of the ultimate topic in data science. The name of the topic is random forest. So random forest का कंसेप्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो पहले हम कंसेप्ट को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक्चुअली मान लीजिए हम किसी एक एक्सपर्ट के पास गए और हमने उसे पूछा कि भाई ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और बताओ कि ये व्यक्ति क्या होगा। मतलब आप फोरकास्टिंग करते हैं कि आप किसी पर्सन को देख के बताना है कि ये ठीक है या बीमार है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आप डॉक्टर के पास गए, आपने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको वायरल फीवर हो गया और ये आपको वायरल फीवर होने की संभावना है। तो आपको यकीन नहीं हुआ कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, तो आप दूसरे डॉक्टर पे गए, उसने भी कुछ बताया, फिर आप तीसरे डॉक्टर पे गए, उसने भी कुछ बताया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने सारे एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं और सपोज आप 100 एक्सपर्ट के पास गए ऐसे, और तो फिर आपने नोट किया कि 100 एक्सपर्ट में से 60 ने कहा वायरल है, 30 ने कहा ये है, 10 ने कहा वो है, तो आप जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जो कह रहे हैं उसको आप मान लेंगे। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट जनरेट करने की बात चल रही थी कि कुछ ऐसा कंसेप्ट जनरेट किया जाए कि हम 100 200 ओपिनियन डेवलप करें और जो सबसे ज्यादा ओपिनियन आ रही है उसको हम मान लें कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो जब हमने कल डिसीजन ट्री किया और डिसीजन ट्री ने हमें फोरकास्ट किया कि भाई ये ऐसा होगा, हर ऑब्जर्वेशन के लिए डिसीजन ट्री फोरकास्ट करता है, कल हमने देखा भी था और हमारी एक्यूरेसी भी अराउंड कितनी आई थी, 80% के आसपास आ गई थी। तो ये तो हुआ एक डिसीजन ट्री। अगर हम और हमने देखा था कि डिसीजन ट्री में हम कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करके और कुछ और चेंज करके, इनपुट चेंज करके हम डिसीजन ट्री को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो एक तो ये कि हम डिसीजन ट्री को बार बार चेंज करें, बार बार चेंज करें। लेकिन उससे भी एक अच्छा तरीका ये है कि कोई ऐसा मेथड डेवलप किया जाए कि हम सीधे सीधे 300 डिसेंट्री बना लें या 500 डिसेंट्री बना लें और फिर हम देखेंगे भाई 500 डिसेंट्री क्या कह रहे हैं। कई बार क्या होता कि 500 डिसेंट्री में 300 कह रहे हैं कि ये नॉर्मल होगा, 200 कह रहे हैं सस्पेक्ट होगा और ऐसी कुछ 5 6 कह रहे हैं कि ये पैथेटिक होगा, तो हम मान लेंगे ये नॉर्मल है क्योंकि मैक्सिमम डिसीजन ट्री उसको नॉर्मल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा कंसेप्ट जनरेट हुआ और इस कंसेप्ट को हमने कहा रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट, तो रैंडम फॉरेस्ट मींस यू आर रनिंग दी 500 ट्रीज, यू आर रनिंग दी 500 ट्रीज एंड फाइंडिंग आउट व्हाट मेजोरिटी इज सेइंग, और मेजोरिटी ट्री जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो एक पेड़ को हम ट्री कहते हैं और बहुत सारे पेड़ों को हम जंगल कहते हैं। तो यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट का मतलब है कि सो मेनी डिसेंट ट्रीज। तो यहाँ पे आपको रैंडम फॉरेस्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा। और ऑब्वियसली बात है कि हम 500 ट्री का डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे डायग्राम कुछ और तरीके का बनता है। ओके, तो आज हम उसी डेटा पे एक एक्सरसाइज करने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर। और आई होप कि रैंडम फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो हम एक एक करके आज रैंडम फॉरेस्ट को कैसे रन करते हैं और रैंडम फॉरेस्ट मेथड को हम कैसे एनालाइज करते हैं, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो
मैं अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर रहा हूँ और स्टेप बाई स्टेप आपको समझाऊंगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं नोट्स भी बनाऊँ तो मैं बना लेता हूँ। तो ये हमारा केस है, और किसका केस है? रेंडम फॉरेस्ट। रेंडम फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम अपने पाथ को डिफाइन करते हैं और तो लेट्स डिफाइन दी पाथ। एंड ये कुछ कह रहा है कि कुछ पाथ में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, बस क्या गड़बड़ है इसको एक ही लाइन में ले लेते हैं। ओके नाउ अभी ठीक है। ये हमारा पाथ है डे 5, और डे 5 में डेटा का नाम रखा है कार्डियो टो को ग्राफिक, और डेटा का नाम मैंने दिया है माई डेटा। और इंपोर्ट किया हमने, और इसमें हेडर इक्वल टू ट्रू भी लगा लेते हैं क्योंकि तो हमारी इंपॉर्टेंट कमांड है। हमने डेटा इंपोर्ट किया और हेड माई डेटा मतलब पहली 6 ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं। तो ये मैं आप हम डिसेंट ट्री में भी देख चुके हैं। ये हमारे 22 वेरिएबल है, LV, AC, FM, UC, DL, DS, DP, ASTV, ये सारे मेडिकल साइंस के वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, खैर मुझे भी खुद नहीं पता। और लेकिन NSP हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है फिलहाल। तो हम देख रहे हैं कि NSP मतलब नॉर्मल सस्पेक्ट और पैथेटिक, और 1, 2, 3 से डिफाइन किया गया है। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो 1, 2 है तो सस्पेक्ट, 3 है तो पैथेटिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रूल हमने डिसेंट्री में भी किया था और सेम रूल हम रेंडम फॉरेस्ट में भी फॉलो कर रहे हैं कि हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को कैटेगरी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट क्या है, रैंडम फॉरेस्ट डिसेंट ट्री का मल्टीपल है, मतलब सेम चीज है। डिसेंट ट्री में हम एक पेड़ लगाते हैं, यहाँ पर हम पूरा जंगल लगा रहे हैं, तो ये मल्टीपल है डिसेंट ट्री का, तो रूल सेम रहेगा। तो मैंने माई डेटा, मेरा डेटा का नाम है, डॉलर का मतलब कि उसके अंदर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है NSP, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ एज फैक्टर। एज फैक्टर का मतलब है मैंने इंटीजर से फैक्टर में कन्वर्ट किया, किस वेरिएबल को, उसी वेरिएबल को। तो ये हमारा इस कमांड के बाद NSP वेरिएबल जो था, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, कैटेगरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ STR, भाई मुझे चेक करना है कि वो हुआ या नहीं हुआ। तो बिल्कुल हो गया। आप देखिए NSP को हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके 3 लेवल हैं, 1, 2, 3। 1 का मतलब है नॉर्मल, 2 का मतलब है सस्पेक्ट, NSP। NSP को मैंने नाम ही ऐसा दिया है, नॉन नॉर्मल सस्पेक्ट एंड पैथेटिक। और अब उसका अगर हम डेटा देखें तो डेटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और वेरिएबल के नाम एक बार देख लेते हैं। ये जरूरी है कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो हमारे डेटा में आप देख रहे हैं 21 और 22, 22 वेरिएबल है, 22वां डिपेंडेंट है, 21 इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे डेटा में 22 वेरिएबल्स हैं, 22वां डिपेंडेंट है और 21 हमारे इंडिपेंडेंट है। तो हमारा ये काम, पहला काम पूरा हो गया, पहले स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। तो मैं जस्ट आपको रिपीट कर दूं कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक किया, और अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीजर है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, ये रूल हम ज्यादातर मशीन लर्निंग के केसेस में लगाते हैं,
हम डेटा को 80-20, 70-30, 75-25 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये ज़ूम करें चैट। आप किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो हम डेटा को यहाँ पर आप देखेंगे 70 और 30 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये रेंडमली डिवाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन से डेटा में आएगा, ये हम चाहते हैं कि रेंडमली हम करें। तो हमने सेट सीड एक रेंडम फंक्शन जनरेट किया, और पीडी का मतलब है पार्टीशन डेटा। तो रेंडमली हमने क्या किया है कि पूरे डेटा को, ये जो माई डेटा है, इसको हमने रेंडमली 1 और 2 असाइन कर दिया। हमने डेटा को रेंडमली 1 और 2 असाइन कर दिया। देखिए, सैंपल कमांड होगा, 2 का मतलब है कि हमने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस डेटा को, माई डेटा को, और ऐसे डिवाइड किया है कि 70-30% के रेशियो में डिवाइड हो जाए। तो ये इस कमांड का मतलब है। और पहले डेटा को हमने नाम दिया ट्रेन। अब देखो, अगर आप पीडी में आपको रन करके दिखाऊं तो आपको डेटा में सिर्फ 1 2 दिखेगा, 1 2 1 2 1 2। 1 का मतलब है ट्रेनिंग डेटा और 2 का मतलब है वैलिडेट डेटा या टेस्ट डेटा। तो मैंने कहा कि जब पीडी की वैल्यू 1 है तो मैं उसको ट्रेन डेटा बोलूंगा, तो और जब पीडी की वैल्यू 2 है तो मैं उसको टेस्ट डेटा बोलूंगा। और लेंथ लेंथ एनएसपी एक वेरिएबल है, मैं देखूंगा कितने वेरिएबल्स कितने आ गए हैं उसमें ऑब्जर्वेशंस। तो आप देखिए, ट्रेन डेटा के अंदर 1523 ऑब्जर्वेशंस हैं और टेस्ट डेटा के अंदर 603 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमारा डेटा 70-30 के रेशियो में डिवाइड हो गया है, 1523 और 603, और ट्रेन हमारा ट्रेनिंग डेटा है और टेस्ट हमारा वैलिडेशन के लिए टेस्ट डेटा है। मॉडल हम हमेशा ट्रेनिंग डेटा पे बनाते हैं और उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम उसको टेस्ट डेटा पे फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। और ये काम हम रेंडमली करते हैं, मतलब टेस्ट डेटा रेंडमली सिलेक्ट होगा और रेंडमली ट्रेन डेटा पे, मतलब ट्रेन डेटा पे रेंडमली रेंडमली बनते हैं ट्रेन और टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे आप मॉडल बनाते हैं और टेस्ट डेटा पे उसकी फोरकास्टिंग करते हैं, प्रिडिक्शन एक्यूरेसी चेक करते हैं, और अगर आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी 90% से ज्यादा आ रही है तो आप बोलते हैं कि मेरा मॉडल वैलिडेटेड है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो फिर आप उसको एक्चुअली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया है, स्टेप नंबर 2 में हमने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 70 और 30 के रेशियो में। फिर अब हम मॉडल आते हैं। मॉडल हम कहाँ लगाएंगे, ट्रेनिंग डेटा पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी रेंडम फॉरेस्ट चला रहा हूँ। रेंडम फॉरेस्ट एक पैकेज का नाम है, पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तब ये चलेगा। तो हमने रेंडम फॉरेस्ट को, पैकेज को मैंने क्योंकि इंस्टॉल पहले कर रखा है तो मुझे सिर्फ लाइब्रेरी चलानी है, लेकिन आपको ये इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने ये रेंडम फॉरेस्ट मॉडल अप्लाई किया। देखिए, रेंडम फॉरेस्ट फॉरेस्ट रेंडम फॉरेस्ट का मतलब है कि जो ट्री बनेंगे, जो हम पूरा जंगल लगा रहे हैं, वो भी रेंडमली लगाएंगे। तो इसलिए मैंने सेट सीड 2 2 2 किया। ये रेंडम सिलेक्शन के लिए यूज होता है। रेंडम फॉरेस्ट मेरे फंक्शन है, एनएसपी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर यहाँ पे आप जितने मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं, अगर आप सिर्फ डॉट ले लेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि एनएसपी के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेगा। तो यहाँ पर मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सारे ही आ जाए एक बार में। और डेटा कौन सा है, ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि हम मॉडल किस पे लगाते हैं, ट्रेनिंग डेटा पे लगाते हैं। तो इसको हमने रन किया और हमारा मॉडल बिल्कुल 100% रन हो गया। और अब हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट भी देख लें एक बार। तो हमने क्या, प्रिंट आरएफ, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा रिजल्ट को एक बार समझ लेते हैं क्या है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट को समझना ही एक अपने आप में खूबी है। तो वो कहता है कॉल, कॉल का मतलब है मॉडल। हमने मॉडल ये कॉल किया है कि रेंडम फॉरेस्ट फॉर्मूला एनएसपी
एक और सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रेनिंग डेटा पे लगाया है। टाइप ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट दो टाइप का होता है। पहला, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है तो उसको हम क्लासिफिकेशन मेथड कहते हैं, और अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है तो हम उसको कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन में डालेंगे या रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में डालेंगे। तो दो ही तरह के रैंडम फॉरेस्ट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है। तो अगर कैटेगोरिकल है तो आपकी ये क्लासिफिकेशन होगा मेथड, और अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो रिग्रेशन मॉडल होगा। नंबर ऑफ ट्रीज, देखिए बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने 500 ट्री का स्टैंडर्ड बना रखा है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि 500 पेड़ हुआ था, और 500 पेड़ क्या बोलेंगे हमें हमें वो देखना है। और दूसरा, एक इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होते हैं, इनपुट इसको ध्यान से समझिएगा। ये नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप बताओ कि भाई मुझे 300 पेड़ लगाने हैं या 400 लगाने हैं या 1000 लगाने हैं। तो नहीं बताओगे तो सॉफ्टवेयर खुद अपने आप 500 डिसाइड कर लेगा। तो ये एक इनपुट है। दूसरा इनपुट को हम कहते हैं एम ट्राई मेथड। एम ट्राई मेथड, देखिए पेड़ जब लगता है तो उसमें पहले रूट आता है, और रूट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई वेरिएबल इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो एक किसी भी एक नोड पे क्या होता है कि कितने वेरिएबल्स को ट्राई किया जाए, किसी भी एक नोड पे कितने वेरिएबल्स को ट्राई किया जाए कि जिसके जिसके अकॉर्डिंगली हम पूरा पेड़ डेवलप करते हैं, तो उसको कहते हैं एम ट्राई। एम ट्राई, तो यहाँ पर एम ट्राई मेथड है चार, कि किसी भी एक स्प्लिट पे आप एक इनिशियली सेकेंड, रेंडमली कितने वेरिएबल्स को ट्राई कर रहे हो। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ट्राइड एट ईच स्प्लिट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चार है कि आप एक बार में कितने ट्री को डेवलप कर रहे हो। तो उसने कहा कि हम चार पे ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हमारा एरर रेट कितना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स एरर, तो इसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स एरर। एरर आपकी अब एक्यूरेसी कितनी है और एरर कितना है, मतलब सॉफ्टवेयर ने क्या किया, आपके जितने भी रेस्पोंडेंट थे उसको फोरकास्ट किया और बताया कि भाई हमारा फोरकास्टिंग में इतना एरर आ रहा है। कितना एरर है? 5.45%। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, कल हमने डिसीजन ट्री ट्राई किया था और उसमें एरर आया था 20% का, और वो जब हम रैंडम फॉरेस्ट में कर रहे हैं तो हमारा एरर कितना है? सिर्फ 5%। तो ये एक खूबी है रैंडम फॉरेस्ट की कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, फिर सॉफ्टवेयर ने आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल लेती है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, कि 175 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मॉडल भी, ये 1 2 3 का मतलब है मॉडल क्या कह रहा है, और 1 2 3 का मतलब है एक्चुअल एक्चुअल क्या है, जो रो में है एक्चुअल है और ये फोरकास्टेड है। तो 1175 नो कंफ्यूजन, मॉडल और प्रिडिक्शन में सेम वैल्यू आ रही है। इसी तरह से 150 में जो मेन डायगोनल में वैल्यूज हैं यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 150 मॉडल कह रहा है कि सस्पेक्ट होंगे और फोरकास्टिंग भी सस्पेक्ट किया ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 105 में पैथेटिक लोग हैं, मॉडल भी कह रहा है पैथेटिक होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है कहाँ? कंफ्यूजन है यहाँ पे 18 लोगों में। यहाँ पे मॉडल ने कहा ये नॉर्मल होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्चुअली में ये सस्पेक्ट है। इसी तरह से दो लोग, ये दो लोग वो हैं जिसको मॉडल ने कहा नॉर्मल, लेकिन एक्चुअली में ये पैथेटिक निकले। तो 18, 2, 3, 46, 6, 6, ये इन इन केसेस में कंफ्यूजन है। तो अब आप क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पे उनको एरर निकालते हैं कि भाई पहली क्लास को प्रिडिक्ट करने में कितनी एरर आई है, 1%। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो रही है वो कौन से क्लास के लिए हो रही है, वो सेकंड क्लास के लिए हो रही है, 25%। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो हो रही है सस्पेक्ट में, यहाँ पे मॉडल एरर थोड़ा ज्यादा दे रहा है। और थर्ड केस में 9% कंफ्यूजन है, लेकिन नॉर्मल के केस में हमारे कंफ्यूजन लेवल सिर्फ 1.5% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
अगर आप 1 - 5.45 करोगे तो ये आपका आएगा एक्यूरेसी लेवल। एक्यूरेसी लेवल आपका 50-95% के आसपास है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फोरकास्टिंग कितनी एक्यूरेट है। खैर, और ये तो सॉफ्टवेयर ने आपको एक वो दे दिया कि वही कंक्लूजन की ये हमने फाइंड आउट किया है। आप सॉफ्टवेयर आपको इसके अलावा कई सारी चीजें और भी देता है, कुछ हमारे काम की होती है, कुछ हमारे काम की नहीं होती है। लेकिन चूंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप कभी बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट, ये सॉफ्ट एट्रीब्यूट का मतलब है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर ने अपने मेमोरी में ऑलरेडी रखी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी चीजें एक एक करके चेक करनी शुरू करी। कुछ हमारे समझ में नहीं आई, कुछ आ गई तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉल का मतलब है मॉडल, एक एक करके मैं रन कर रहा हूँ कि रेंडम फॉरेस्ट में सॉफ्टवेयर ने यह मॉडल अप्लाई किया ट्रेन डेटा पे। टाइप क्लासिफिकेशन है, हम जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन टाइप है। प्रिडिक्टेड वैल्यूज, तो आप देखोगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबके लिए प्रिडिक्टेड वैल्यूज हमारी ये थी, तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। और अगर मैं इसको टेबल कर दूं, टेबल आरएफ और प्रिडिक्टेड, तो कितने कितनी ऑब्जर्वेशन हमारी प्रिडिक्टेड में आई है। देखिए, 1229 लोगों को नॉर्मल प्रिडिक्ट किया गया है और 174 लोगों को सस्पेक्ट प्रिडिक्ट किया गया है और 120 लोगों को पैथेटिक प्रिडिक्ट किया गया है। चलिए, उसके बाद एरर रेट, एरर ये एरर रेट है कि किस केस में कितना एरर है। मेरे ख्याल से ये आपको हर ऑब्जर्वेशन का ये बताया है, लेट मी चेक इट, या आउट ऑफ द बॉक्स एरर, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स एरर। सो दिस इज फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो पहले ऑब्जर्वेशन को प्रिडिक्ट करने में हर क्लास का और पूरा पूरा एरर कितना है, 11%, और जिसमें 4% पहले नॉर्मल लोगों के प्रिडिक्शन में 4% का एरर है, सेकंड केस में 41% का एरर है। तो ये एरर आउट ऑफ द बॉक्स एरर निकला है, लेकिन हम इसका कंबाइंड देखते हैं, हम इसको ओवरऑल में नहीं देखते। सो इसको हम कंक्लूजन मैट्रिक्स में निकालते हैं तो हमारे पास ओवरऑल आ जाता है कि भाई पहली क्लास को प्रिडिक्ट करने में कितना एरर है, दूसरी क्लास को प्रिडिक्ट करने में कितना एरर है, और थर्ड क्लास को प्रिडिक्ट करने में कितना एरर है। तो ये हम इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। बाकी वर्ड्स हमारे मुझे नहीं क्लियर हुआ कि क्या ये, कुछ चीजें हमारे मेरे को समझ में नहीं आई। खैर, सो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्लासेस हमारे 1, 2, 3 है। 1 का मतलब है नॉर्मल सस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस, ओके। ये आउटपुट हमारे बहुत काम का है, इम्पोर्टेंस, आरएफ इम्पोर्टेंस। ये आपको बताएगा कि एक एक इंडेक्स होता है जिनी, मीन डिक्रीज जिनी, मीन डिक्रीज जिनी एक इंडेक्स है। ये आपको बताता है कि आपके डेटा में कौन सा वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा वेरिएबल कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसमें देखें तो ASTV 72 आ रहा है, ASTV 72। तो ASTV आई थिंक इज द हाईएस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ASTV के बाद ALTV देखे, ALTV आई थिंक इज द सेकेंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे DS वेरिएबल है वो ऑलमोस्ट जीरो ही है, आप इसको निकाल सकते हैं कि ये वेरिएबल बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है प्रिडिक्शन के लिए। और ये ALTV, ASTV, MSTV, these three variables are found to be most important variable in predicting the dependent variable. Mean is also very important. So, ye importance variable is very, very important outcome.
तो प्रोवाइड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, प्रोवाइड्स दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल। इसी तरह से एक, अच्छा ये इसकी वैल्यू नल आई है, कुछ आउटपुट हमारे पास नहीं आए यहाँ पर। एंट्री तो 500 है, नंबर ऑफ एंट्री, एम ट्राई हमारा 4 था बाय डिफॉल्ट। ये दो इनपुट हैं रैंडम फॉरेस्ट के, कि आप कितने ट्री बाय डिफॉल्ट बना रहे हैं और कितने एक स्प्लिट पे कितने वेरिएबल्स को ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 है रैंडम फॉरेस्ट, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे आउटपुट आते हैं। तो एक्चुअली हम ऑब्जर्वेशन वाइज अभी नहीं देख रहे हैं इसमें, RFY ये फोरकास्टिंग है, टेस्ट नल इनवैग नल ये सब नहीं आया अभी हमारे पास। ओके, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल आउटकम है वो हमारा इम्पोर्टेंस है, और बाकी तो इंफॉर्मेशन है रेंडम फॉरेस्ट की। और दूसरा इम्पोर्टेंट है RF कंफ्यूजन, जो आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स देता है कितनी फोरकास्टिंग एक्यूरेसी है। तो ये हमारे रेंडम फॉरेस्ट के रिजल्ट्स हैं और ऑलमोस्ट सारे। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम चाहते हैं कि जो रेंडम फॉरेस्ट हमने यूज किया उसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाली जाए। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपकी ये आ गई, नहीं अच्छा आ रही है अभी। हाँ ये एक दूसरा पैकेज है कैरेट, और कैरेट पैकेज से भी आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। तो मैंने देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग डेटा पे जो हमने रेंडम फॉरेस्ट मॉडल लगाया था उसके हिसाब से हर वैल्यू को हमने प्रिडिक्ट किया। तो P1 हमने सेव कर लिया प्रिडिक्शन में। फिर हमने कहा कि भाई पहली छह ऑब्जर्वेशन का प्रिडिक्ट करो। तो उसने कहा कि भाई पहला व्यक्ति सस्पेक्ट है, दूसरा दूसरा नॉर्मल है, तीसरा नॉर्मल है, चौथा नॉर्मल है, और छठा सातवा, ये ट्रेनिंग डेटा के लिए कर रहे हैं हम ये, और छठा और सातवा पैथेटिक है। तो हमने कहा चलो एक्चुअली में देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है, कि हेड NSP एक्चुअली में कितना है। तो पहले को मॉडल ने प्रिडिक्ट किया सस्पेक्ट, तो ये वाकई में सस्पेक्ट ही था। अगले तीन को उसने प्रिडिक्ट किया नॉर्मल, तो वाकई में वो तीनों नॉर्मल ही थे। और छठे सातवें को उसने प्रिडिक्ट किया पैथेटिक, तो वाकई में वो पैथेटिक ही थे। तो यहाँ पे बाई चांस हमारी एक्यूरेसी 100% है, और तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारी एक्यूरेसी 100% आई है। इसी तरह से हम टेल भी ट्राई कर सकते हैं कि लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। टेल ट्रेन डॉलर NSP, तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन है वो ये लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में उन्होंने प्रिडिक्ट किया है 1-1-2-2-2-1। और हमारे एक्चुअल डेटा में क्या है 1-1-2-2-2-1। वाह क्या बात है, सारी एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो रही है एकदम, कि 1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-1। तो आप देखिए कि प्रिडिक्शन लेवल हमारी काफी एक्यूरेट है, और ओवरऑल कितनी है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आपको रिजल्ट आ रहा है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। और यहाँ लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि हम प्रिडिक्शन किस कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा की, जिससे हमने मॉडल बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रिडिक्शन हाई होगी क्योंकि उसी से हमने मॉडल बनाया है। तो अगर हम ट्रेनिंग डेटा को चेक कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन लेवल हमारी ऑलमोस्ट 100% है। तो हमारी एक्यूरेसी कितनी है 99.93%, और हमारा 95% कॉन्फिडेंस लेवल
किसके बीच में आ रहा है, 99.63 और 1 के बीच में, तो ये हमारी एक्यूरेसी है। और पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रहा है बिल्कुल। और ये दोनों कप और एमसी नेमर टेस्ट वैल्यू, ये एमसी नेमर की वैल्यू नहीं आई। कापा इज वेरी हाई विच इज अगेन टेलिंग यू द एक्यूरेसी। और ये हम यहाँ पे ये वैल्यू चेक करते हैं, पहली वैल्यू कि फर्स्ट क्लास को, पहली क्लास यानी नॉर्मल नॉर्मल लोगों को प्रिडिक्ट करने में इस मॉडल की एक्यूरेसी 1% है, 1 मतलब 100% है। लेकिन ये हम बात किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा की। सेकंड क्लास को प्रिडिक्ट करने में एक्यूरेसी कितनी है, 99.5%। थर्ड क्लास को प्रिडिक्ट करने में एक्यूरेसी कितनी है, 100%। तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस डेटा पे मॉडल बना रहे हैं उसी डेटा पे हम प्रिडिक्शन एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, जो कि अच्छा काम नहीं है। हमें प्रिडिक्शन एक्यूरेसी अगर देखनी है तो हमें कहाँ देखनी चाहिए, टेस्ट डेटा के अंदर। लेकिन ट्रेनिंग डेटा में हम क्यों देखते हैं, ताकि कंपेयर कर सकें। तो पहले मैंने ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी देखी तो ऑब्वियसली बहुत हाई आई आएगी। लेकिन असली परीक्षा तो हमारी कब है, जब हम टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी करें। तो हमारा अगला काम क्या है, टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी निकालना। तो देखिए मैंने क्या क्या, P2 निकाला। P2 का मतलब है सेकंड प्रिडिक्शन, और मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ टेस्ट डेटा पे। और उसके बाद मैंने P2 का टेस्ट डेटा से कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाली है। तो आंसर क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कम हो गया है। तो अब एक्यूरेसी टेस्ट डेटा पे जो हमारी एक्यूरेसी है वो अब ये है कि 608 का डेटा था। हमने देखा था कि टेस्ट डेटा में 608 ऑब्जर्वेशंस हैं और प्रिडिक्शन 478, नो कंफ्यूजन 71, नो कंफ्यूजन 40, नो कंफ्यूजन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है, 21 में, 6 में, 1 में, 1 में, 2, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज हैं वहां पे कंफ्यूजन है। तो सॉफ्टवेयर ने कहा कि भाई ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है, 94%। लेकिन मैं आपको बता दूं, 94% इज वेरी गुड। अगर टेस्ट डेटा पे, मतलब किसी और डेटा पे, मतलब आपने मॉडल एक एक डेटा पे बनाया है और प्रिडिक्शन आप दूसरे डेटा पे कर रहे हैं, तो अगर दूसरे डेटा पे आउट ऑफ दी सैंपल डेटा पे आपकी एक्यूरेसी 94% आ रही है, तो इट इज नॉट बैड, इट इज गुड। तो हमारी प्रिडिक्शन 94.36% है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल हम थोड़ा सा लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लें इसकी, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो ये 92 और 96 के बीच में आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। 90% से आ रही है आपकी। प्रोबेबिलिटी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, कापा वैल्यू 84% है, हायर है, ठीक है, बढ़िया है। और पहली क्लास में हमारी, ये इससे हम टेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं, पहली क्लास की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी 99.57% है। तो ये मॉडल नॉर्मल लोगों को प्रिडिक्ट करने में तो एक्यूरेट है। लेकिन सेकंड क्लास जो है सस्पेक्ट, यहाँ पर हमारा मॉडल बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सिर्फ 75% एक्यूरेसी दे रहा है, नॉट वेरी गुड। और थर्ड क्लास को प्रिडिक्ट करने में भी 81% है, जो कि बुरा नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं सेंसिटिविटी कि किस किस क्लास को प्रिडिक्ट करने में हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, तो इसी चीज को वो कई तरह से बोलते हैं, लेकिन हम, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इसी सेंसिटिविटी को ही रिपोर्ट करते हैं, तो मैं भी आपको वही बता रहा हूँ। और ये बाकी सारी चीजें उसी का रेप्लीकेशन है अलग अलग तरीके से, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर तो इसी में आ जाता है। अच्छा, तो अब हमने देखा कि भाई रैंडम फॉरेस्ट को हम कैसे रन करते हैं, और मैं अब रैंडम फॉरेस्ट को एक प्लॉट करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए प्लॉट कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी, ये मेरा कुछ प्लॉट आ गया नीचे, या ये इस मॉडल को मैंने प्लॉट किया, और ये मॉडल मुझे बता रहा है कि मेरा एरर रेट, ओवरऑल एरर रेट कितना है। तो इसमें रेड, ब्लैक और ब्लू तीन लाइनें हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनके अलग अलग है। और वो ये कह रहा है कि जब आपके ट्री बहुत कम थे तो एरर रेट बहुत हाई था,
जब ट्री हमारे 100 तक हो गए, 100 तक भी एरर रेट बहुत हाई था, और ये एरर का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 100 200 200 के बाद बहुत ही कम हो गया, और 300 के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि जब हमने 100 ट्री पे रिजल्ट निकाले तो कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन ज्यादा था। उसके बाद हमने जब 200 निकाले, 200 ट्री पे काम किया तो कंफ्यूजन थोड़ा कम हो गया। जब हमने 300 ट्री पे ट्राई किया तो हमारा कंफ्यूजन काफी हद तक कम हो चुका था, और 400 के बाद तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और 500 तक तो पहुंचते पहुंचते कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो गया। तो यहां से हम अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्री की जरूरी थोड़ी ये 500 ट्री बनाए भाई, अगर हमारा एक्यूरेसी लेवल 200 ट्री पे ही पहुंच रहा है तो 200 से काम चलाते हैं, क्यों इतना बड़ा मॉडल बनाए। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर इनमें से कौन सी वाली लाइन की आप बात कर रहे हैं, ब्लू वाली की? देखिए, ब्लैक में बेसिकली ब्लैक वाली लाइन पे मेरा जब फोकस ज्यादा है, और ये ब्लू लाइन और रेड लाइन तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं। और सर ग्रीन लाइन क्या है? ये भी ओवरऑल, इसको ओवरऑल ही समझ लीजिए, ये ब्लैक लाइन को इसने दोबारा मतलब थोड़ा बड़ा करके बनाया। अच्छा, और यहाँ पर क्या है कि वाई एक्सिस पे हमारा एरर रेट है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ वाई एक्सिस पे हमारा एरर रेट है, और ये हमारे ट्रीज हैं, ये कितने ट्रीज के साथ एरर हमारा कितना है, ये मतलब है इस ग्राफ का। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो शुरू शुरू में तो एरर रेट बहुत हाई था, ठीक है, और ये एरर रेट, लेकिन हम तीनों को देखें, अगर हम तीनों को ध्यान से देखें तो ब्लू लाइन में एरर रेट तो आपका 200 पे का 200 या 220 के बाद एकदम जीरो हो गया, और ये अब इतना 0.1 एरर। ब्लैक हमारा 300 के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, और 400 450 500 तक तो ये बिल्कुल जीरो हो गया। इसी तरह से रेड लाइन ये हमारी 300 के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो शुरू शुरू में मतलब अगर आप कम ट्री बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है ज्यादा, तो शुरू शुरू में अगर आप कम ट्री बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस डायग्राम को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 ट्री तक भी हम अपने रिजल्ट में एक्यूरेसी ला सकते हैं। 300 ट्रीज में भी द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। तो मैं क्या करता हूँ कि इस मॉडल को देखने के बाद मैंने एक अपना थोड़ा सा ट्री देखने के बाद मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं एम ट्राई कितनी रखूँ। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि रेंडम फॉरेस्ट में दो इनपुट होता है, एक कितनी कितने पेड़ लगाए जाए, दूसरा एक स्प्लिट पे कितने वेरिएबल्स को ट्राई किया जाए। तो अब पहला का आंसर मुझे मिल गया कि अगर आप 300 पेड़ भी लगाते हो तो भी काफी अच्छा एक्यूरेटी एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाएगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैं कितने एक किसी स्प्लिट पे कितने वेरिएबल्स को ट्राई करूं कि मेरा मॉडल अच्छा जाए। तो यहाँ पर हम उसी को निकाल रहे हैं, नेम्स। तो मैंने अपना वेरिएबल एक बार चेक किया और मुझे लग रहा है कि मेरा 22वां वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 22वें वेरिएबल को मैंने निकाल दिया। और ये एक कमांड है जो आपको बताएगा कि आपको एन ट्राई कितने रखने चाहिए। एन ट्री ट्राई मैंने यहाँ पे 300 फिक्स कर दिए हैं कि 300, अगर अगर मैं ट्री नंबर ऑफ ट्री अगर मैं 300 रखूं तो एम ट्राई कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वो एक रन कर रहा है कमांड, और कमांड रन करने के बाद हमें एक ग्राफ मिलेगा, और उस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि हमें एन ट्राई कितने रखने चाहिए। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये आ गया ग्राफ। एक्चुअली आपका तब आता है जब आप इस विंडो को मैक्सिमाइज करके चलते हो। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि अगर मैं एम ट्राई 4 रखता हूँ, ये देखिए, ये दिस इज एम ट्राई, नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू बी ट्राइड एट ईच नोड, तो मेरा एरर रेट ज्यादा है।
लेकिन अगर मैं 4 की जगह 8 रखूं तो शायद मेरा एरर का रेट कम हो जाए। तो जब भी आप ट्री डेवलप करते हैं तो उसका एक उसमें एक प्रोसेस होता है कि जब आप स्प्लिट करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप कोई से भी रेंडमली 4 वेरिएबल को उठाते हो और उसमें से आप ट्री बना लेते हो। तो अगर मैं 4 की जगह 8 वेरिएबल को ट्राई करूं हर स्प्लिट में तो मेरा एक्यूरेसी का लेवल ज्यादा है। तो यहां पर मुझे एक एक नई इंसाइट मिली कि रैंडम फॉरेस्ट में मैं अगर मैंने बाय डिफॉल्ट 4 दिया था, 4 ना देके मैं 8 दूं तो शायद मेरा पेड़ अच्छा बन जाएगा, मेरा जंगल थोड़ा सा बेटर होगा। तो मैंने उसको अब देखिए मैंने एक दूसरा रैंडम फॉरेस्ट बनाया, इसको मैंने नाम दिया RF1। पहला वाला RF था, दूसरा मैंने मैंने कहा भाई RF1 नाम चेंज कर दिया। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई रैंडम फॉरेस्ट मेरा एक फंक्शन है, मैं एक जंगल डेवलप कर रहा हूँ, NSP मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इक्वलेंस का साइन का मतलब है कि इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो मैंने कहा डॉट ही ले लेते हैं भाई, सारे से जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सभी को ले लें और डेटा ट्रेन है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें ट्राई कर दी कि भाई मैं दो चीजें बताऊंगा कि मेरा एंट्री जो है नंबर ऑफ पेड़ जो है वो मेरे 300 होने चाहिए और किसी भी जब ट्री स्प्लिट होता है तो कम से कम 8 वेरिएबल पे ट्राई करना चाहिए ताकि मेरी एक्यूरेसी लेवल क्योंकि का मतलब है कि एरर का वैल्यू कम से कम हो। तो ये मैंने एक नया मॉडल डेवलप किया RF1, इम्पोर्टेंस इज इक्वल टू 2 कि जो भी वेरिएबल इम्पोर्टेंट है वो भी आ जाए साथ में। तो मैंने RF1 को मैं RF1 को रन करता हूँ और RF1 का आउटपुट मेरा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे एरर के रेट में कुछ कमी हुई, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत कमी तो हुई होगी कि अगर मैं RF रन करूं और RF1 रन करूं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैंने RF रन किया और यहां पर मेरी एक्यूरेसी का लेवल था 5.45 और RF1 में अगर मैं करता हूं तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई, ये तो एरर बढ़ गया है। तो सॉफ्टवेयर को 300 पेड़ पसंद नहीं आए, तो क्योंकि RF में हमारा जो एक्यूरेसी रेट है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, RF, दिस इज RF और RF में एरर का रेट है 5.45। उसके बाद मैंने RF1 रन किया, RF1 में मेरा रेट है 5.65, तो बड़ी बड़ी है। अगर मैं 300 की जगह 400 पे ट्राई करूं तो एक बार 400 पे भी ट्राई कर लेते हैं। और RF1 एक बार ट्राई किया तो ये कोई कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा मुझे इस पे। अगर मैं 500 पे ही ट्राई करता हूँ लेकिन एम ट्राई को 8 रखता हूँ और RF1 को रिपोर्ट करता हूँ तो भी 5.65। सो मुझे लगता है कि मेरा पहला वाला मॉडल ही बेटर था, इस वाले मॉडल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमारा मॉडल को डेवलप किया जा सकता है और या नहीं किया जा सकता। सर एम ट्राई में जो एंट्री है उनको 500 रखते हुए एम ट्राई को वेरी करके देखें। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल हम ये भी ट्राई कर सकते हैं और एम ट्राई को अगर मैं 8 से थोड़ा कम करना सर 6 कर देता हूँ कि हमें असल में हम यहाँ पर संभावना देख रहे हैं कि हम क्या अपने मॉडल को डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर एरर रेट हमारी ये 5.45 आ गई है तो ये उतनी है, लेकिन सर, एम ट्राई को 5 करना सर 5। तो एम ट्राई को अच्छा मैंने अगर 5 किया तो ये तो एरर हमारा और बढ़ गया।
तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो पुराना वाला मॉडल था वो वही बेस्ट था, और इसमें सर, बहुत ज्यादा एक और लिमिट चेक करके देखते हैं सर, इसको 3 करो जरा, 1 मिनट, 3 M try को 3 करके देखो सर, 1 मिनट। अच्छा ये एरर का रेट तो बढ़ रहा है, थ्री हाँ, M try को 3 करना सर, से तो और बढ़ेगा। एक फिर भी देख लेते हैं। तो 5.8 5.3 तो और नहीं से ये नहीं तो नहीं नहीं सिक्स नहीं पॉइंट फोर उसका परफेक्ट लेवल है। हाँ तो 4 इसका परफेक्ट लेवल है, तो उसी पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सर 500 और 4 ना, जिसने डिफॉल्ट छाटे हैं ना डेवलपर ने, उसने ना ये देखा होगा कि ये बेस्ट देता है। अब 504 पे 5.52 के आसपास आ रहा है, क्योंकि तो थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए भी आता है कि रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, तो हल्का सा अच्छा क्योंकि जी पेड़ जो है वो रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जी 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 थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जी हमारा जो कम आ रहा है वो इसी पर आ रहा है। आप देखिए 5.25 है, थोड़ा सा वेरिएशन तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो फाइव जी पॉइंट फोर फाइव 5.25 इज दी लीस्ट वैल्यू, तो हम 504 पे ही चलते हैं। जी ओके अब हम RF1, अब हमारा जो है वो 504 पे ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारे पेड़ बने उसमें शाखाएं कितनी है, नोड्स कितने हैं। तो वो बता रहे कि भाई अराउंड 100 पेड़ ऐसे हैं जिनकी जिनके पास नोड्स ये फ्रीक्वेंसी है, और ये ट्री का नंबर ऑफ कितना बड़ा पेड़ था वो ये है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी नोड्स नंबर ऑफ कम थे, इतने पेड़ ऐसे हैं कि जिनके और भी कम थे। तो हमारे ज्यादातर पेड़ों के जो नोड है वो 100 के आसपास हैं। तो ये एक तरह से हिस्टोग्राम है कि भाई हमारे जो हमने पेड़ बनाए उसमें कुछ पेड़ छोटे थे, कुछ पेड़ बड़े थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ बहुत ही बड़े थे। तो जैसे 130 वाले नोड वाला ट्री भी था उसमें। तो ये बेसिकली ये आपकी जंगल का जो हिस्टोग्राम है वो है कि आपके पेड़ कितने कितने बड़े बने इसमें। तो नंबर ऑफ नोड्स आप दिखा सकते हैं, ये हम रैंडम फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए शो करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट है, ये प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे रैंडम फॉरेस्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है। ये आपको बता रहा है कि भाई आपका कौन सा वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट पाया गया और कौन सा वेरिएबल सबसे कम इंपॉर्टेंट पाया गया। तो देखिए हमारे पास दो इंडेक्सेस हैं, एक है मीन डिक्रीज एक्यूरेसी और एक है मीन डिक्रीज जीनी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही चीज को रेप्लीकेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको देख के कह सकते हैं कि ASTV इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, ASTV इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन प्रिडिक्टिंग द क्लासेस। ALTV इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन प्रिडिक्शन। MSTV इज द, मतलब सीधी सी बात है कि आपके जो पांच वेरिएबल हैं ये टॉप फाइव वेरिएबल्स हैं जो आपके मॉडल को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह से DSN0 टेंडेंसी DL ये चार वो वेरिएबल हैं जिनको आप निकाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ मुझे लगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल हमारा कम इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। तो ये चार्ट जो है वो आपके रिसर्च पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है इन द प्रेडिक्शन ऑफ माई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप इन पांच वेरिएबल्स को ले सकते हैं, दीज आर द टॉप फाइव वेरिएबल या टॉप 10 वेरिएबल्स एंड दीज आर द बॉटम फाइव वेरिएबल्स, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। इसी में हम थोड़ा सा हमने चेंज किया इस ग्राफ में, हमने एक तो उनको सॉर्ट कर दिया, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 10 वेरिएबल देखने हैं, टॉप के 10 वेरिएबल, मेरे पास 21 वेरिएबल हैं लेकिन मुझे टॉप के 10 देखने हैं और मैं इस ग्राफ को बनाना चाहता हूँ
इसका नाम है टॉप 10 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। तो मैंने रन किया तो मुझे अब सिर्फ टॉप 10 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दिख गए कि मेरे सारे वेरिएबल्स में टॉप 10 वेरिएबल्स ये हैं। तो दीज आर माई टॉप 10 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच आर हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग दी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सर ये, आप इज बेटर हाँ, ये मतलब इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आप टॉप 5 बना सकते हैं, टॉप 10 बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अगर आप, मैं मुझे टॉप 5 ही देखने हैं तो मैं 5 कर दूंगा इसको। सर, एक्सक्यूज मी, इसमें जो ये टॉप 5 दिखा रहा है सर, इसमें ये मीन और मोड को भी काउंट कर रहा है? ये मीन और मोड ना, ये वेरिएबल का नाम है एक्चुअली, कि ज्यादातर लोगों ने ऐसा कुछ कहा होगा, ये वेरिएबल है तो ये इनका मीन नहीं है, ये दिस इज एक्चुअली ए वेरिएबल। तो ओके सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई हम 5 वेरिएबल को भी प्लॉट कर सकते हैं, 10 वेरिएबल को भी प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टॉप 5 इंपॉर्टेंट वेरिएबल, तो ये आपका जो आउटपुट है वो आपके पेपर में आएगा, रिपोर्ट में आएगा। जब भी आप रिपोर्ट बनाते हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। ओके, इसी तरह से इसी को ये तो है, ये तो बेसिकली है ग्राफ, इसी को हम नंबर में दिखाते हैं। देखिए, मैंने अब जब इंपॉर्टेंट बनाया तो ये मेरा नंबर में आ रहा है। अब देखिए, इसमें दी हाइएस्ट वैल्यू इज, हाइएस्ट वैल्यू देखोगे तो 36 इज दी ASTV, दी हाईएस्ट वैल्यू। तो ASTV सबसे इंपॉर्टेंट है और DS इज दी लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पहला वाला हमारा ग्राफ था और दूसरा वाला हमारा टेबुलर फॉर्म है। तो आप चाहे तो इस टेबुलर फॉर्म को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। और मैं इसमें एक चीज और करके देखता हूँ कि इसमें शॉर्टिंग हो जाएगी या नहीं होगी। शॉर्ट इक्वल टू टी, शॉर्टिंग नहीं हो रही है क्या? तो वो हम थोड़ा मैन्युअली भी कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट एक्चुअली शायद इसने पकड़ा ही नहीं है, हो सकता है कि इंपॉर्टेंस में शॉर्टिंग ना हो। ओके, तो हम अपने रिपोर्ट में ये वाला टेबल भी दिखा सकते हैं कि भाई कौन सा वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर एक आता है वार यूज्ड RF। सर सर मैनुअली कैसे सॉर्ट करते हैं? मैनुअल सॉर्ट करने की कमांड क्या वो होती? तो हम एक्सेल में जाके सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो तो वहां से हो जाएगी सही से। फिर यहाँ पर ये आपको बता रहा है वार यूज्ड RF में कि कौन सा वेरिएबल डिसेंट्री में कितनी बार यूज हुआ है। तो अब जैसे इसी में मैं एक वो भी बनाता हूँ नेम्स, और मेरा डेटा फाइल था माई डेटा, ये हम इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि LB एक दो तीन चार पांच छ, LB जो हम 500 ट्री हमने बनाए हैं, 500 पेड़, उन 500 पेड़ों में कौन सा वेरिएबल कितनी बार यूज हुआ है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो वेरिएबल जितनी बार यूज होगा वो उतना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर अगर आप LTV देखोगे, जो मेरा 10वां वेरिएबल है ALTV, तो 10वां वेरिएबल 3805 बार यूज हुआ है, तो ये वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज हुआ है। इसी तरह से आप देखोगे जैसे DS है, हमने पाया था कि ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ। आप या ये देख लो एन जीरोस, तो एन जीरोस हम देखते हैं कौन सा वेरिएबल है हमारा एन जीरो, ये है यानी 16वां वेरिएबल है। तो 16th यानी 10 11 12 एन जीरो शायद ये होगा 16th। सो ये वेरिएबल कम यूज हुआ है। और ये 19 तो सबसे ही कम हुआ है, 19 हमारा छठा वेरिएबल है, छठा का मतलब है DS। तो यहाँ पर हमें एक आइडिया लग जाता है कि
कि किस वेरिएबल की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो जो वेरिएबल सबसे कम यूज हुआ है डिसेंट्री में तो वो उतना कम इम्पोर्टेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है इधर से। और उसके बाद हम चलते हैं सर एक प्रश्न है, जैसे मीन है, मीन 31.83% इम्पोर्टेंट दिखा रहा है ये। मीन 31%, हाँ 31.83, मीडियन दिखा रहा है 25.75% इम्पोर्टेंट। तो सर इसमें क्या मोड, हाँ मोड भी दिखा रहा है 28.62%। ठीक है सर। हाँ तो मीन मीडियन मोड आपके कितनी बार यूज हुए हैं वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये हमारा देखना पड़ेगा। जैसे मीडियन हमारा 17, 18, 19 अवेलेबल है, तो 19 अवेलेबल हमारा 3058 बार यूज हुआ है, तो वो है ये तो काफी इम्पोर्टेंट अवेलेबल है ना। तो ये इम्पोर्टेंट मीन इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। टेंडेंसी थोड़ा कम वेरिएबल है, कम इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 934 बार यूज हुआ है। सर मीन मीडियन और मोड में मीन 31.83% इंपोर्टेंस के साथ सबसे ऊपर चल रहा है। या नहीं, सबसे ऊपर तो आपका ये है ना, ये 36 एएलडीबी में मीन मीडियन मोड में सबसे ऊपर मीन ही चल रहा है 31% के साथ, मोड तो 28% पे और मीडियन 25% पे। यस, तो ये आपको क्लियर है बिल्कुल। अच्छा अब मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है, जैसे कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एएसटीवी ले लिया क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल था। एएसटीवी का एएसटीवी 36.73 ये हाईएस्ट पे था, तो मैंने कहा कि ये एएसटीवी किस कैटेगरी को ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहा है, एएसटीवी किस वेरिएबल को ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहा है और कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है। और मैं ये डायग्राम आपको सिर्फ एएसटीवी के लिए दिखा रहा हूँ, इसी तरह से हम हर एक का कर सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है यहाँ पे। तो मैंने एक पार्शियल प्लॉट बनाया कि रैंडम फॉरेस्ट वन वेरिएबल में, जो हमने रैंडम फॉरेस्ट वन मॉडल डेवलप किया ट्रेन डेटा में, एएसटीवी किस क्लास को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा अभी, पार्शियल प्लॉट ये आ गया। तो देखिए यहां पर हमें ये पता चला कि जब एएसटी की वैल्यू 60 से कम है, जब एएसटीवी की वैल्यू 60 से कम है तो बंदे के नॉर्मल होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। जब एएसटीवी की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो बंदे के नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहां पर मुझे ये पता चल रहा है कि जब एएसटीवी मेरा 60 से कम है तो हायर साइड है, मतलब कि पहले वाले क्लास की प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा है। अच्छा इसी को मैं बना रहा हूं सेकेंड सस्पेक्ट वालों के लिए, टू का मतलब है दूसरी क्लास के लिए। तो जब मैंने दूसरी क्लास के लिए बनाया तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि या तो बंदा 20 के आसपास हो, अगर एएसटीवी 20 है या एग्जैक्टली 60 है तो सस्पेक्ट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो सेकेंड क्लास के लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, थर्ड क्लास के लिए हो सकता है अच्छी प्रेडिक्शन कर रहा हो। सो थर्ड क्लास के लिए रिजल्ट अभी आएगा, आ गया। तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का एएसटीवी 60 से ऊपर चला गया तो वो मतलब पैथेटिक है, तो वो पैथेटिक है। तो चूंकि हमने देखा था कि एएसटीवी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल एक्चुअली यही था, तो ये वेरिएबल किस तरह से प्रेडिक्शन कर रहा है। तो हमारा आंसर अब आया कि एएसटीवी जो प्रेडिक्शन कर रहा है वो बेसिकली पहली क्लास और पैथेटिक क्लास को ज्यादा अच्छी तरह से कर रहा है, और जब एएसटीवी 60 से कम है तो बंदा नॉर्मल होने की संभावना ज्यादा है, और जब एएसटीवी 60 से ज्यादा है तो बंदा पैथेटिक हो जाएगा।
तो हम हर चीज को ना बहुत डिटेल में जाके स्टडी कर पा रहे हैं यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट में, और इसलिए मुझे बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज लगती है, कमाल की टेक्निक लगती है। सर बेसिकली ये जो ASTV है ये बॉर्डर पेशेंट्स को, यानी जो या तो बिल्कुल नॉर्मल है या बिल्कुल पैथेटिक है, पेशेंट उनको उन्हें तो प्रिडिक्ट कर पा बेटर रहा डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन सस्पेक्ट को बेटर प्रिडिक्ट नहीं कर नहीं पाता कर है। पा रहा। हाँ, क्योंकि सस्पेक्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये या तो नॉर्मल और या पैथेटिक उनको ज्यादा अच्छे से हाँ, प्रिडिक्ट कर पा रहा है। ये जो क्लियरली डिवाइडेड है उन्हें ज्यादा बेटर प्रिडिक्ट कर पाता है, सस्पेक्ट्स को उतना बेटर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से, हाँ, सर इस ग्राफ में पैथेटिक का लेवल कौन सा है? हाँ तीन तीन, ये मैंने देखो तीन दिया ना मैंने नहीं सर, एक्चुअली, ग्राफ ग्राफ में मतलब जो ऊपर की नहीं तरफ नहीं वो ग्राफ में नहीं वर्टिकल आएगा है। ये, मैंने असल में जो कमांड है वो तीन दिया है, इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा ये तीसरे व्यक्ति के लिए आएगा। वो तो ठीक है सर, मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन ग्राफ में नहीं ये है, ग्राफ में नहीं है जैसे ग्राफ में आपने एक ही व्यक्ति के लिए एक ही ग्राफ आएगा, ये अलग अलग नहीं आ रहा है। जब आप वन बनाओगे तो ये ग्राफ सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए आएगा, जब आप सेकंड प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ बस दूसरी कैटेगरी के लिए आएगा, और जब आप तीन करोगे तो थर्ड कैटेगरी के लिए आएगा, क्योंकि वो पूरा ग्राफ ही एक कैटेगरी के लिए है, तो वो ग्राफ में नहीं दिखेगा आपको। नहीं सर, मेरे आप मतलब वो मैं आपकी ये वाली बात समझ गया, लेकिन ग्राफ में अगर आप देखें तो हॉरिजेंटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा बस। अच्छा चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्योंकि जितना मैंने समझा है, हाँ कोई कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए, मतलब किसी का भी। मैं वन पे बना रहा हूं पहले। यहाँ पे तो आपको ASTV की वैल्यू दिख रही है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मुझे जो दिख रहा है, वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले नॉर्मल लोगों के लिए अगर ASTV की वैल्यू 60 तक है तो नॉर्मल होने की संभावना ज्यादा है, तो नॉर्मल लोगों के होने की संभावना ज्यादा है, मैं इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जब मैंने ये ग्राफ थर्ड लोगों के लिए बनाया तो मेरा जो ग्राफ आया वो बिल्कुल उल्टा आया, तो 60 अगर ASTV की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो प्रिडिक्शन थर्ड वाले केसेस के लिए ज्यादा बेटर हो रही है, तो व्यक्ति जो है वो पैथेटिक है, अगर ये ASTV की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो बंदा पैथेटिक है, और जब मैं सेकंड वालों के लिए बनाता हूं तो बहुत अच्छा सा ग्राफ नहीं बनता। और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पार्शियल प्लॉट, वाई एक्सिस पे मेंशन क्या है सर, हाँ मतलब मैं आपका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली अभी मैं क्लियर नहीं हूं उस पर, लेकिन क्लियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेल्प में जाऊंगा और यहाँ पे ये कमांड लिखूंगा पार्शियल प्लॉट, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाई एक्सिस पे क्या है, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है कि 100% ज्यादा नहीं हूँ, नॉलेज नहीं हूँ मैं भी, आई एम नहीं ऑल सर, हम लर्निंग लोग भी जो स्टेज। समझ पा रहे हैं सर, पहले ग्राफ से तो ये लग रहा था कि काउंट बता रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक सेकंड है, ग्राफ से देख के लग रहा है कि माइनस वैल्यू आ रही है, तो काउंट तो नहीं बता रहा है। बिल्कुल बता रहा है, लेकिन इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे मैं वो बता रहा हूँ। हम पार्शियल प्लॉट पे जाएंगे, पार्शियल प्लॉट पे जाएंगे, क्योंकि जिस बंदे ने ये फंक्शन डेवलप किया है तो उसने एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है वो ये देखते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट है, पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट गिव्स ए ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द मार्जिनल इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल ऑन द क्लास प्रोबेबिलिटी और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो रिग्रेशन में आएगा। तो यहाँ पर आपका जो पार्शियल प्लॉट है वो मार्जिनल इफेक्ट बता रहा है, मार्जिनल इफेक्ट ऑन द वेरिएबल ऑन द क्लास प्रोबेबिलिटी। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर ASTV 60 से कम है तो किसकी किस क्लास के होने की संभावना ज्यादा है, तो ये वो आपको ग्राफ बताएगा। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि और वाई एक्सिस पे कुछ है क्या। अच्छा, क्योंकि तो हमारे पास इतनी ही सुविधा है आर में कि हम उस फंक्शन को समझ लें, हालांकि काफी इंफॉर्मेशन दी होती है। मैं
the function being plotted is defined as ये function है where x is the variable for which partial dependence is sought and x is the other variable in the data. This Saman is the prediction regression function here. Okay, तो ये information है जो मेरे पास है अभी और उससे मुझे बस यही पता चल रहा है कि ये पार्शियल प्रोबेबिलिटी को बताएगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को बता रहा है. पार्शियल डिपेंडेंट प्लॉट इसके, सॉरी सर, इसके सिंटैक्स में ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेरिएबल भी है. अगर आप उसको लगाएं तो हो सकता है कि डेटा हमें ये डिफाइन कर दे कि एक्चुअली जैसे मैम भी कह रही थी कि वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है, वो डेटा बेस से उठा के ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा कि वो वेरिएबल क्या है. तो शायद हमें समझ में आ जाए. जैसे यहाँ पर दे रखा है कि x डॉट वेयर, सर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे सर, एक आर्गुमेंट्स में x भी दे रखा था, शायद y भी दे रखा, x तो दे रखा है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास y lab लेबल फॉर y एक्सिस, y lab सर y lab कर दी थे तो लेबल मेंशन होके आ जाएगा. नहीं वो तो हम जो लिखेंगे वही आएगा लेकिन एक्चुअली में थोड़ी आएगा y lab. X तो यहाँ पे मॉडल का नाम है जो हमने, लेकिन सर ये समझ में आ गया आपके हेल्प से कि ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बता रहा है. हाँ तो अगर सर एक बार फिर से चार्ट देखें तो थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा. अच्छा मैं असल में थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है. लेकिन आर में ना एक ये फैसिलिटी है कि अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है तो आप हेल्प में उस फंक्शन को टाइप करेंगे तो पूरा फंक्शन के डिटेल आ जाएगा कि जिस बंदे ने ये पैकेज बनाया है उसने इस फंक्शन को किस तरह से डेवलप किया है, तो वहां पर हमारी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाती है. हाँ जी सर ये हेल्पफुल है सर. हाँ तो इसीलिए आर में ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इट्स वेरी गुड. तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्शियल प्लॉट में एक्स तो मेरा हो गया RF1 और प्रेडिक्शन डेटा, डेटा मेरा ट्रेन है, वेरिएबल मेरा ESTV है और इसके अलावा तो बाकी प्लॉट में प्लॉट अगर ट्रू करोगे तो सर प्लॉट तो हम बना ही रहे हैं और बाय डिफॉल्ट ये सब आ ही रहा है और जो ट्रू है वो बाय डिफॉल्ट आता है. सर ये रैंडम फॉरेस्ट ईव्यूज पे भी एक्सेसिबल होगा सर? नहीं ये तो किसी सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा ही नहीं. रैंड ये सारी चीजें ना या तो पाइथन में मिलेंगी या आर में मिलेंगी आपको. ओके, ये मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर में मिलेंगी. हाँ ये आपको ईव्यूज आर SPSS में, SPSS ईव्यूज में नहीं मिलेगा आपको, इवन स्टेटा में भी नहीं है. तो मैंने कोशिश एक्चुअली यही की रही कि मैं आपको वही सिखाऊं जो आप कहीं और ना सीख पाए. तो मतलब ये बहुत बेहतरीन है इस आर इन चीजों में. और आप ये समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप अपनी तरफ से करें तो पब्लिकेशन की संभावना थोड़ी ज्यादा है, पेपर पब्लिकेशन की. तो मैंने ये पार्शियल प्लॉट पहले कैटेगरी नंबर 1 के लिए बनाया और यहाँ पर सिर्फ ये पता चल रहा है कि जब ASTV की वैल्यू 60 से कम है तो प्रोबेबिलिटी किस ग्रुप के होने की ज्यादा है, पहले ग्रुप नॉर्मल ग्रुप के होने की संभावना ज्यादा है. और जब 60 की ये जब ASTV 60 से ज्यादा होता जा रहा है तो संभावना कम होती जा रही है, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है. और इसी तरह से जब मैंने पार्शल लिए 3 के लिए बनाया ग्राफ तो किस थर्ड यानी पैथेटिक, तो पैथेटिक के लोगों की संभावना कब ज्यादा होगी, जब ESTV 60 से ज्यादा होगा. तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. और ये ग्राफ आप हर किसी वेरिएबल के लिए बना सकते हो. तो मैं इसको एक वेरिएबल के लिए और ट्राई कर लेता हूँ. सर इससे पहले कि आप इसे किसी अन्य वेरिएबल के लिए ट्राई करें मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर सक या एक मिनट स्क्रीन आप अपनी ही रहने दें. मैं इसमें असल में क्या हुआ, जब ये डिस्कशन आपका चल रहा था मैम के साथ और हर्ष सर के साथ, तो मैं इसमें चेक कर रहा था कि ये वाई एक्सिस पे चल क्या रहा है ना. और आपने बताया कि इसमें जो हेल्प का ये बटन बना हुआ है इसमें आप किसी भी फंक्शन का नाम टाइप कर सकते हैं और उसमें वो ये बताता है कि एक्स पे क्या है और वाई पे क्या है और मतलब अपना पूरा आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लेन करता है वो अपने. लेकिन ये भी सर मुझे लिमिटेड लगा तो मैंने क्या किया कि मैं जब ये ग्राफ बना, जैसे इस वक्त आपने
वेरिएबल थ्री के लिए, सॉरी टाइप थ्री के लिए, यानी जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके लिए ग्राफ बना रखा है। तो उस दौरान मैं गूगल पे गया और मैंने पता करने की कोशिश की कि ये पार्शियल डिपेंडेंस होता क्या है असल में। तो सर उसकी एक बेटर एक्सप्लेनेशन मुझे मिली है, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं तो प्लीज। डिसेबल्ड आ रहा है सर। ओके नाउ इट्स एबल। जी एक मिनट सर, ये दिख रही है सर, विजिबल? हाँ अभी आ रही है सर। ये है पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट पीडीपी। यार ये तो ऐसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन नहीं ये एरा गैरा नहीं है सर। असल में क्या हुआ, मैंने रैंडम फॉरेस्ट पार्शियल डिपेंडेंस का मीनिंग ही सर्च किया है, तो ये बिल्कुल एकदम सही जगह लेके गया। और इसने बड़ी सीधी सी बात कही कि द पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट शॉर्ट पीडीपी और पीडी प्लॉट शोज द मार्जिनल इफेक्ट वन और टू फीचर्स हैव ऑन द प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। किसी मशीन लर्निंग मॉडल की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यानी संभावित प्रायिकता दिखाता है पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मिली मुझे सर। तो वाई एक्सिस जो है वो संभावित प्रायिकता दिखा रहा है, पार्शियल प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ये तो हमें उससे पता चल गया था। खैर लेकिन देखिए ये कुछ चीजें ना मैथमेटिकल होती हैं, और जो आपको अगर वो जैसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, देखिए अगर आप रिसर्च पेपर में ये लिखते हैं कि एक होती मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन इंक्रीजेस व्हेन एएसटीवी इज लेस देन 60, इट्स एनफ। ये अपने आप में कंप्लीट इतना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में नहीं घुसेंगे कि इसने इंटीग्रेशन भी पता नहीं कौन सी खोल रखी है और कैलकुलस लगा रखी है फार्मूला की, क्योंकि मैथ्स में हम बहुत ज्यादा डीप में जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, एनालिटिकल मैथ्स तो सर बाल उड़ा देता है सर के। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो लास्ट टू ग्राफ्स में नेगेटिव वैल्यूज है, हाँ। तो उसकी मार्जिनल जो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है, तो सर वो नेगेटिव नहीं है, मतलब वो जितना वेरिएबल। ये सवाल एक्चुअली मेरे दिमाग में भी आया था, ये तो सर इसका मतलब है कि उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब ये जितना बढ़ेगा वो हमारे मॉडल पे उसका इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज सर फर्स्ट में तो पॉजिटिव वैल्यू, बाकी दो में नेगेटिव आ रही है। और ये सर है भी वो केसेस, एक पैथेटिक है और एक सेकंड वाला भी भैया। फर्स्ट हमारा है जो नॉर्मल है, जिसके लिए ये पॉजिटिव चल रहा है। असल में ना यहाँ पर एक मेरी एक समस्या है कि मुझे ना एएसटीवी का मतलब नहीं पता। यस सर, मे बी क्योंकि ये मेडिकल ये डेटा हमने जस्ट इंटरनेट से ले लिया। Yes, यहाँ थोड़ी सी एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि अगर इन चीजों का मतलब हमें क्लियर होता तो हम थियोरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। यस सर, कि -10 का क्या मीनिंग है और -14 का क्या मीनिंग है, वो चीज कि एक्चुअली कई बार हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग में देने के लिए, क्योंकि डेटा इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, तो हम उठा लेते हैं वहां से। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन कई बार ये आ जाती है कि हमें वेरिएबल्स का मतलब तो पता ही नहीं है कि एएसटीवी क्या है, तो उसको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई अपना डेटा है और आप उस पर लगाओगे तो आपके पास थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन ज्यादा बेटर होगा वहां पे। और सर कोई मेडिकल का स्टूडेंट होता तो वो शायद इसे हमसे बेटर समझ पाता कि ये हो क्या रहा है। यस यू आर राइट। खैर लेकिन डेटा सेट आपके पास अपने अपने रिसर्च के होंगे और आप आई होप कि उसमें आप लगा के ट्राई करेंगे जी। तो मैं एक वेरिएबल पे और ट्राई करना चाह रहा था इसको कि कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, तो ग्राफ में से ले लेते हैं। टीवी एक वायरस है। अच्छा, जैसे कोरोना वायरस। तो आपने ये भी ढूंढ लिया। गूगल की जय हो भाई, आजकल गूगल सब बता रहा है। तो मैं इसको एएसटीवी की जगह अब एएलटीवी लेके देख रहा हूँ, क्योंकि एएलटीवी मेरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि एएलटीवी मुझे क्या बताएगा। तो पार्शियल प्लॉट मैंने वन के लिए रन किया पहले, और ये आपको बता रहे कि एएलटीवी भी 60, एएलटीवी जितना कम होगा
उतने बंदे के नॉर्मल होने की संभावना ज्यादा है और ELT भी जैसे से पड़ेगा और तो नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी और मेरे ख्याल से 70 के बाद तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ये इसका मतलब है। और अगर हम 2 के लिए देखते हैं सस्पेक्ट, तो एक्चुअली ये वाली ग्राफ अगर आप पेपर में लगाएंगे ना तो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। अच्छा, ये आपको सस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बता रहा है कि भाई ELT भी अगर 20 से ज्यादा हो जाता है तो बंदे के सस्पेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 20 से 60 के बीच में। तो आप 20-40 के बीच में सस्पेक्ट की संभावना ज्यादा है और 3 इसको अगर हम तीनों ग्राफ को कंबाइंडली देखें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ज्यादा ज्यादा इंटरप्रिटेशन क्लियर होगी। तो 3 के बाद अगर मैं देखूं तो अगर 60 के बाद पैथेटिक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर 60 के अगर ALTV की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो यहाँ भी पैथेटिक होने की संभावना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। सर 1 का ग्राफ दिखाना, नॉर्मल कब होता है ये जरा 1 का रन करना सर। 1 का मतलब ये था कि वो जितनी कम होगी, हाँ नॉर्मल के लिए मैंने रन किया है अभी, तो ये बता रहा है कि भाई इस 20 से कम, अगर ये 20 से कम है तो व्यक्ति नॉर्मल है, 20 के बाद तो इसका ग्राफ डिक्लाइन होगा। जी जी जी, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रिश्ता है आपस में, तो ये रिलेशनशिप को आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें एक प्लॉट बनता है, ये प्रॉक्सिमिटी प्लॉट कई बार बन जाता है कई बार नहीं बनता है, तो मेरा क्या कह रहा है ये प्रॉक्सिमिटी प्लॉट नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि रीजन ये था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, तो RF डज नॉट कंटेन ए प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स डेवलप नहीं हो पाई, ये प्लॉट नहीं बना। तो यहाँ तक बेसिकली हमारा जो एनालिसिस है वो पूरा हो जाता है, ये तो उसके अलावा ये मेरे हमारे डेवलप नहीं हुए। सो पार्शियल आफ्टर पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट द एक्सरसाइज इज ओवर। और